उत्तर प्रदेश दुगदी के विधायक हरिराम चेरो ने बच्चों के साथ वृक्षारोपण कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 150वीं जयंती वर्ष धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान विधायक ने म्योरपुर रेंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत काचन के जंगल में शुक्रवार को पौधारोपण कर वनों से मिलने वाले फायदों के बारे में चर्चा की। चेरो ने कहा कि जल जंगल और जमीन पर मानव जीवन निर्भर है, जंगल है तो जल है और जल है तो जीवन है। हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि पौधारोपण के साथ जंगल को भी सुरक्षित रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम ना तो वृक्ष काटेंगे और ना ही कटने देंगे। विधायक हरिराम चेरो ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस वर्ष 22 करोड़ पौधारोपण कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी लगभग 22 करोड़ के आसपास है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग जितना उत्तर प्रदेश की संख्या है उतना पौधारोपण का लक्ष्य रखा है। आज पूरा उत्तर प्रदेश में पौधारोपण किया जा रहा है। वह विभाग उसी क्रम में सोनभद्र में करीबी 33 लाख पौधों को लगा रही है। पर्यावरण की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश सरकार ऐतिहासिक कदम कर रही है, जिससे निश्चित पर्यावरण में सुधार आएगा। शुक्रवार को लोबंद रास पहरी मयोपुर आंगरपन्नी आदि गांव में पौधारोपण कार्यक्रम अभियान के रूप में शुरू किया गया। जो पौधारोपण हो रहा है, क्या लक्ष्य है, कितने पौधे लग रहे हैं? ये आज जो है, ये जहां हम खड़े हैं, ये म्योरपुर रेंज के अंतर्गत खातावरण कंपार्टमेंट नंबर 11 में जहां एक गांधी उपवन की स्थापना की गई है। यह पूरा क्षेत्र जो है 15 हेक्टेयर क्षेत्र है, इसमें 11,000 के आसपास जो पौधे रोपित किए गए हैं और शेष पौधे लगभग 5-6,000 पौधे जो है वो हमारे बीज भवन से तैयार किए गए हैं। और ये इस क्षेत्र को गांधी उपवन के रूप में, महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता थे, उनके 150वीं जयंती के अवसर पर ये इस उपवन की स्थापना की गई है। इसका रखरखाव वन विभाग द्वारा स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से किया जाएगा और हम आगे भी इसे एक म्योरपुर कस्बे के निकट एक अच्छे उपवन के रूप में विकसित करेंगे। फिलहाल इस क्षेत्र से जुड़ा यही सूचना है। रही बात वो जन रेणु फुट वन प्रभाग जो जनपद सोनभद्र के अंतर्गत आता है, इसमें जो है हमारा कुल लक्ष्य 12,62,211 पौधरोपण की थी, जिसमें वन विभाग द्वारा 7,12,888 पौध और अदर डिपार्टमेंट्स दूसरे अन्य सरकारी विभागों द्वारा 5,49,323 पौधरोपण किया जा रहा है। पूरे जनपद में पूरे उत्साह से यह कार्यक्रम किया जा रहा है और इस समय तक जहां तक मेरी रिपोर्ट है, अधिकांश पौधे या तो लगाए जा चुके हैं या लगाने का बिल्कुल कुछ क्षेत्र जहां अंतिम दौर में है, समापन की तरफ है और 100% हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। ये जो पौधरोपण कराई जा रही है विधायक जी, इसका क्या उद्देश्य है? अब उद्देश्य क्या, पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ा उद्देश्य है, उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा लक्ष्य है। इस बार 22 करोड़ पौधे रोपण करना है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी आपको पता होगा कि लगभग 22 करोड़ है, उतना ही लक्ष्य हमारी सरकार और माननीय योगी जी ने रखा है। और मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में आज मुख्यमंत्री जी अभी वृक्षारोपण कर रहे हैं, हम भी आए हैं माननीय विधायक और जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, सारे लोग। वन विभाग के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, जो है जनपद में 33 लाख का लक्ष्य रखा गया है कुल मिला करके, विभागीय और अन्य करके। तो बहुत अच्छा लगा और ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। इसमें वन विभाग का बड़ा योगदान है। आज पूरे हमारे दो SPO यहाँ पे, रेंज अफसर और सारे स्टाफ लगे हुए हैं और ये जो है तमाम ग्राम प्रधान जी लोग भी हैं, उसी प्रत्यक्ष में मैं भी यहाँ आया हूँ और वृक्षारोपण करके बहुत अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है कि पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है प्रदेश में, उससे हम लोगों को जल्दी निजात मिलेगा। और जल ही जीवन है, जंगल ही जीवन है, अगर जंगल नहीं रहा तो हम आप सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।